नवोदय एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 9th के साइंस के सेकंड वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सूक्ष्म जीव तथा खाद्य परीक्षण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव तथा खाद्य परीक्षण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन में ही आंसर ध्यान से देखा जाए तो सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा और जीव का मतलब होता है जीव, यानी बहुत छोटे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब वैसा जीव जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रोस्कोप कई प्रकार के होते हैं। जिनमें दो प्रमुख है। कितने प्रमुख है? दो। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसे तो माइक्रोस्कोप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से माइक्रोस्कोप कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ध्यान से सुनना है, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज लियू वेन होएक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और सबसे पहले जीवाणु को इन्होंने ही देखा था। तो जीवाणु की खोज लियू वेन होएक ने की थी, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज लियू वेन होएक ने की थी, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक थे एम नोल और एक थे ई रस्का, ठीक है। यह वस्तु को 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। 20000 ना 2000। यह वस्तु को 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। मतलब कोनो वस्तु अभी देखोगे तो इस ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप पर देखोगे ना तो हेंगा को आकर 20 साली करो, 20000 गुना, एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो 20000 बड़ा करो, 20000 अब इतना बड़ा होगा, हो जाएगा 20000 कम होता है। यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 180000 गुना बड़ा करके दिखलाता है। तो मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आधुनिक ज़माने का माइक्रोस्कोप है। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से सिर्फ हम कोशिका को देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, गुण सूत्र, इन सब सभी रचनाओं को हम देख सकते हैं। किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। एक मिनट। सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु बैक्टीरिया, दूसरा है विषाणु वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल, और लास्ट पांचवा है कवक, जिसको हम फंगस भी चाहे फुंगी बोल सकते हैं, फुंगी चाहे फंगस। जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी कहते हैं,
बैक्टीरिया और जीवाणु अलग अलग नहीं है। हिंदी में जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया, विषाणु वायरस है। कारण तो यह है प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। तो इसमें देखो, जो विषाणु है ना, ये हमको ना 1% भी लाभ नहीं पहुंचाता है, ये हमको 100% हानि ही पहुंचाता है ना। लेकिन इसमें लाभ भी है और हानि भी है। लाभ कैसे है? जलेबी, पनीर, दही, शराब, दवाई, चमड़ा का शुद्ध करना होता है, तो लाभ है। हानि कैसे है? टीबी, कालाजार, टाइफाइड बीमारी होता है, तो हानि है। आइए, इसका एक ही लाभ ना है, सबका है। प्रोटोजोआ का भी लाभ भी है और हानि भी है। तो लाभ क्या है? अमीबा पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, यह गंदे पानी में रहता है। तो जब गंदे पानी में रहता है तो उस पानी को शुद्ध करता रहता है, उसमें जितने भी मतलब हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वह उसको मार कर खा जाता है। एक तरह से देखा जाए कि जो कुआं में जो मछली है, चाहे जो गड्ढा में जो मछली है, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है? हाय, क्योंकि वो मच्छर के अंडों को खा जाती है, नहीं? तो इसमें भी लाभ है और इसमें भी, और ठीक, इसमें भी लाभ है और हानि भी है। इसके तो लाभ समझ लिए ना। हानि क्या है? प्रोटोजोआ का हानि क्या है? मलेरिया नामक बीमारी सुने हो, हैं? डेंगू मच्छर कहो चाहे मादा एनोफिलीज मच्छर कहो, जब वो काटती है ना हमको, तो हमारे खून में प्रोटोजोआ छोड़ देती है, तो मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ हानि हुआ, हानि कहाँ हुआ, समझ में आया ना? मलेरिया होता है, फलेरिया होता है, डेंगू होता है, तो यहाँ हानि है। लाभ कहाँ है? तो गंदा चीज को शुद्ध करता है, पर्यावरण को बचाता है, पर्यावरण को दूषित होने से रोकता है, तो यहाँ लाभ है ना। अब सवाल है, हानि कहाँ है? हानि जैसे कल के अथी पर कल्टी भैल है, तुम गए बेच लिया गया अगेरे के धाबाक से, तो ये हुआ हानि। अब बताइए बना क्या, ये हुआ हानि। लाभ क्या है? तो शैवाल को हम नील हरित शैवाल चाहे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। धान के खेत में कभी गए हो? तो धान के जमीन हिवा धान जमल है, आ धान जमल है, बीच में कुछ गैपिंग रहता है जमीन का, और उसको ध्यान से देखोगे ना तो हरा चाहे भूरा चाहे नीला चाहे हल्का सा करछाऊ पर क्वालिटी जमल होता है में, उसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? शैवाल, जो इनू हरा खाद में काम करता है, जो गला खेत में सब ये सब है, वगैरह धान खूब लहा के फरेगा, और जो गला खेत में ना है वगैरह खेत में दरार फटेगा आ मुआर कटेगा। मुआर समझ में तो है, बुझाया? शैवाल अधिकांश कहाँ होता है? तो नमी युक्त भूमि पर होता है। नमी युक्त भूमि का मतलब क्या? मतलब पानी का अंश रहता है, यानी गीला गीला रहता है ना। तो शैवाल के फायदे समझ में आया, घाटा भी समझ में आया ना? अगर हर करोगे तो घाटा मिलेगा, अंगतिया इसका घाटा नहीं है। अब हम आ गए कवक में, क्या आएंगे? पाव रोटी है, चाहे मशरूम, इसी से प्राप्त होता है। तो ये हुआ हमारा क्या लाभ, क्या हुआ लाभ है, और हानि क्या हो गया? हम खाना वाना बना के रखें, बासी हो गया, चाहे दही जमाने के लिए रखें, आज जमाने के लिए रखें, आज 6 दिन के बाद उसको निकाल रहे हैं, तो दही के ऊपर क्या फाफूदी नजर आएगी? दही इतना ना खाटा लगेगा कि बहुत पूछो, 6 दिन के बाद दही खाटा ना लगेगा, बहुत खाटा लगेगा ना, मुँह में सिहूर जाएगा शरीर ना। तो कवक क्या करता है? हमारे खाना को बर्बाद कर देता है, भोजन को कौन बर्बाद करता है? कवक। अचार में तेल के कमी होता है तो भोरी लगता है, तो यह कवक के कारण लगता है। तो अचार में भोरी लगवाता है कवक, तो वहाँ कवक हमारा दोस्त हुआ कि दुश्मन?
मैकबुर्बक अचार में भोरी लगेगा तो अचार खराब ना हो जाएगा, भोरी लगा ठीक ना है अचार में तो खराब कर दे रहा हमारा खाना को, तो छूतार है ना। तो इस तरह शॉर्ट में सब समझ में आया, अब इसी को हमको खिताई भाषा में लिख लेना है। तो सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना होगा कि इनमें से कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमको कहीं से भी 1% भी लाभ नहीं पहुंचाता है, विषाणु। बाकी चारों तो तनी मनी फायदो है घाटो है, लेकिन ये तन को फायदा ना है, तन को ना है हॉस्ट नहीं है। और विषाणु से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है वो बहुत डेंजर होती है ना, और इसमें ना एंटीबायोटिक दवा चलता है। कौन दवा चलता है? एंटीबायोटिक दवा चलता है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक दवा। प्रतिजैविक दवा क्या उसके मुँह से सुने हो कि सर प्रतिजैविक दवा दीजिए, लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के नाम सुनो ना, भारत की चाहे विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी? तो पेनिसिलिन। ओकरा बाद कौन? पारासीटामोल। नाम तो सुना ही होगा सब, पारासीटामोल के नाम ना सुने हो है? बुखार से रिलेटेड कौनो बीमारी हो और जल्दी छोड़ता ना हो तो डॉक्टर साहब बिना है के लिख लेना, छोड़िए घुमा फिर के लिखिए नहीं डॉक्टर साहब है ना। देखो क्योंकि फेमस दवा है, काम करता है, फेमस है। हाँ बिक्री इसका बहुत है। आइए, जितना भी एंटीबायोटिक दवा है, प्रतिजैविक दवा है, सब जीवाणु के हेल्प से बनता है, ठीक है। दवाई में क्या होता है? जीवाणु। हमारे शरीर में विषाणु है, हमारा ना दूसरा का शरीर में विषाणु है, विषाणु को भगाएंगे तब ना बीमारी छूटेगा। तो विषाणु को भगाने के लिए हम कौन दवाई खाते हैं? एंटीबायोटिक। हमें ढेर दवाई आता है, ये समूह है। तो ये दवाई में क्या होता है? जीवाणु। तो जीवाणु हमारा शरीर में घुसता है, आ जीवाणु या विषाणु में होता है ढुसुम 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 ना। अब जीवाणु विषाणु को पटक देता, मार देता, मुँह हाथ फोड़ देता, मुँह देता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो क्या मत एंटीबायोटिक काम करता, समझ में आया ना? एंटीबायोटिक हम दवा लेते हैं मुँह में है क्या, तो हमारे दवाई में क्या होता है? जीवाणु बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुल मिल जाता है, आप विषाणु को कहता है आक्रमण। तो विषाणु और जीवाणु में लड़ाई होता है, कभी कभी विषाणु जीत जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि लगातार डोज बढ़ावे के पड़ी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एगो दो दवाई बदलते हैं ना, तो नहीं सर छोड़ती है तो नहीं सर बुखार कम होता है, बाकी सब तो उहे बा नहीं कहती है ना है? तो रुकी एक डोज बढ़ा देता नहीं तो तोरा उसके हाई पर रख दे देंगे, जाना हमें ढेरे खानी है। तो अब ये आधा है दुगिना, अब क्या जीतेगा? हाँ तो जीवाणु जीत जाएगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे ना। हमारे शरीर में अभी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में भी जीवाणु होते हैं, यदि स्वस्थ मनुष्य के भी शरीर में जीवाणु नहीं रहेंगे तो हमारा गला हमेशा सूखेगा, लार नहीं आ पाएगा, हमेशा मुंह में लार आता तभी ना मतलब गला ऐसी रहता है। और उसके बाद हम जो खाना खाते हैं वो ना पचेगा, जीवाणु ही मेरे को पचाता है, जीवाणु एंजाइम निकलता है और एंजाइम भोजन को पचाता है। फर्स्ट नंबर जीवाणु लिखा है, डैश दिला गया, ठीक ना। सर्वप्रथम जीवाणु को ल्यूवेन होएक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। यह एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता है। इससे हमको लाभ तथा हानि दोनों है कि जीवाणु की खोज ल्यूवेन होएक नामक वैज्ञानिक ने की थी। हाँ, दूसरा क्लू क्या मिला? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। तीसरा क्लू क्या मिला?
तो इसमें कोशिका झिल्ली होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता है, और इससे से लाभ भी है और हानि भी है। तो लाभ क्या है? लाभ यह रहा, और हानि क्या है? हानि यह रहा। जीवाणु से लाभ एवं हानि के बारे में अब हमको पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, बाद में लिखना है। दही निर्माण में है ना, दही बनता है ना जीवाणु से, क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दही बनता है, जमता है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्राप्त होता है, पता है कैसे? अरे दलहन अनाज में राइजोबियम जीवाणु होता है, भूल जाता है, जीवाणु गढ़ होता है, तो उसी से ना प्राप्त होता है नाइट्रोजन। तो क्या जीवाणु खाद का काम करता है? हाँ, क्योंकि दलहनी अनाज के जड़ों के गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिसको हम हरी खाद भी कहते हैं। यस सर, हेलो सर। चमड़ा शोधन मतलब चमड़ा के शुद्ध करने में, दवा बनाने में, कौन दवा? प्रतिजैविक दवा। प्रतिजैविक दवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक दवा और शराब बनाने में, शराब खराब चीज ना है, खराब बनाया गया है। बहुत सारे जो केमिकल और दवा है सब में शराब मिला जाता है, बिना शराब का दवा ही नहीं बनेगा। तो वहाँ ही बनिया है कि नहीं बनिया है? अब तू मतलब ना हैजा मतलब बीमारी, टाइफाइड, चेचक तो वायरस होती है, पर बखला, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मतलब ठाए ठाए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी। कुकुर खांसी का मतलब ना हमेशा ठाए 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 करते रह गलो ना, कुकुर गलती लिख ले बा, ठीक बा। खाद विषाक्त जीवाणु, तो मतलब फूड पॉइजनिंग के नाम सुने हो कभी? है जब आवश्यकता से अधिक टंकी में फूल कर करने के बाद पता नहीं क्या होता है, और अजीबो गरीब ढेकार आते हैं, धुआं धुआं निकलता है, हैं मतलब टंकी ओवरलोड हो जाती है, तब ऐसा होता है, ना ना निकलता मुंह में है, ढेकार ना था ढेकार, अजीबो गरीब है? हाँ, तो वहाँ इन्हों काम करेगा, क्योंकि इन्हों में भी क्या होता है? जीवाणु होता है, आ जाता है, दोनों में लड़ाई होता है। तो हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और फूड पॉइजनिंग मतलब बासी खाना खाने से, चाहे वैसा खाना खाने से जी मच्छी खूब हो, हाडा बिरने खूब हो, अब जी खुआ लिए अब बैठ के खा रहे हैं, है तो सबसे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम खाद विषाक्त बीमारी कहते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग के नाम ना सुने कभी, हैं उल्टी होने लगता है खाते खाते, क्या अनुमान हो जाता है मन, खाने खाने के बाद कहता है ना कि भाई काहेला खा लिए, हमको कम में खरीद नहीं चाहता था, अरे ढेर पैसा खरीद लिए, ऐसा कभी हुआ है? अब सेकेंड पॉइंट, वायरस लिखा था ना, वायरस विषाणु, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक, पांचों में कौन सबसे छोटा है? विषाणु, क्योंकि शैवाल भी दिखता है, कवक भी दिखता है, लेकिन हर तीनों ना दिखता है, प्रोटोजोआ भी नहीं दिखता है, जीवाणु भी नहीं दिखता है और विषाणु भी नहीं दिखता, शैवाल दिखता है ना कई टी,
कवक नहीं दिखता है, गोबर छाता हुआ तो वो भी तो कवक के है। चाहे सिली रखा जाता है तो सिली के ऊपर कागज निकल जाता है, निकल जाता है सिली के ऊपर लकड़ी के सिली रख देते हैं बारिश और इसमें बाहरी तो ना निकलता कुछ कुछ, वो भी तो कवक के है। माटी के ऊपर ये ना निकल जाता है, वो तो कवक के है। पावरोटी के मुलायम वाला पावरोटी को पानी में भिगा कर बोतल में बंद करके रख देना अंधारा में, दो दिन के बाद देखना पर भोरे लगा रहेगा, वो तो कवक के है। तो लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है? विषाणु निकल से लाया, यह सबसे छोटा एक यह सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। इसको निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। कि जीवाणु को सजीव बोलते हैं। अब वायरस है कोशिक जीव लिखा है, लिख दो यह है कोशिक जीव है, लिखो लिखो ये वाला पॉइंट लिख दो, यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु भी एक कोशिकीय है, विषाणु भी एक कोशिकीय है, लेकिन जीवाणु को हम सजीव बोलते हैं, विषाणु को हम निर्जीव बोलते हैं। क्यों? हाँ, जो ये मान लो जीवाणु माना में क्या रखा, मान लो ये जीवाणु है और है विषाणु है, ठीक है। तो जीवाणु में ना कोशिका झिल्ली मतलब यह पोलोथीन टाइप के होता है, इसलिए ये सजीव है। लेकिन इसमें पोलोथीन टाइप का नहीं होता, इसलिए निर्जीव है ना, बुझाया? अरे हाई बेछिल अंडा, हाई छिल अंडा, अब बुझाया ना? यह लिक्विड फॉर्म में होता है और देखो यह कहीं भी रह सकता है, हमारे शरीर में भी, गंदे पानी में भी, भूमि में भी, ठीक है। लेकिन ये जब जहाँ रहेगा ना, ये कहूँ ना कहूँ शरीर में रहेगा। विषाणु कहीं भी रहेगा ना तो किसी न किसी के शरीर में ही रह के मतलब जीवित रह पाएगा। यदि शरीर से बाहर ही निकलता है जैसे छींक के माध्यम से, अच्छी निकला तो ये जहाँ है ना वहाँ चार घंटे, दो घंटे, एक घंटा, आधा घंटा, 50 मिनट के मेहमान है। उतना देर के अंदर कोई आकर छुएगा जगह को तो वो उनका में चल जाएगा, अनाज छुएगा, तरसेगा, कभी आकर छुए हमको, कोई आके हमको छुए, कोई हमको उठा लेके चल रहे, कोई नहीं उठाएगा तो मर जाएगा। कोरोना वायरस जैसे किसी कोरोना वायरस हुआ आँछी कर दिया, अच्छा हाथ से छू दिया, तो यहाँ पर कोरोना वायरस कुछ होगा ना यहाँ पर कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस वहाँ पर 14 घंटा ही जीवित रहेगा, 14 घंटा के अंदर में कोई भी इसको छुएगा ना तो उसका पता चल जाएगा। अनाज छुएगा तो कह रहा कि हम कोई उठा ले, कोई उठा ले, 14 घंटा के अंदर कोई उठाएगा तो जिंदा रहेगा, अनाज उठाएगा तो कोह कोह के मर जाएगा। विषाणु किसी जीव की कोशिका में ही क्रिया कर सकते हैं, समझ में? जो विषाणु है ये कोई भी क्रिया करेगा, कोनो काम करेगा तो किसी जीव की कोशिका में ही जाकर करेगा, ठीक है। इससे हमको सिर्फ हानि ही हानि है। जैसे साधारण सर्दी, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, एड्स आदि, उसे साधारण सर्दी हो लगती है, मतलब ठंडी, कोल्डनेस, और इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी भी विषाणु से ही होती है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है तो खांसी होती है, सर्दी होती है, शरीर में दर्द होता है, आँख से आंसू आता है, कमजोरी होती है और बुखार जल्दी छूटता नहीं है। चेक बात पता ही है, चेचक को हम चिकन पॉक्स चाहे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, चाहे छोटी माता भी कहते हैं। चेचक जब होता है तो शरीर पर दाना दाना हो जाता है और बहुत दर्द करता है। जन्म के बाद होता है, जब पोलियो का टीका नहीं लगाया जाता है तो पोलियो नामक बीमारी होती है, तो इस बीमारी से जो बच्चे होते हैं वो लकवा ग्रस्त हो जाते हैं, उन लोगों को वो लोग विकलांग हो जाते हैं। तो देखो कितना खतरनाक वायरस है।
शरीर में घुसेगा तो टेढ़ रुक जाएगा शरीर के। एड्स शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम या इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। कोरोना नामक बीमारी को हराने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह वीक होना चाहिए कि स्ट्रांग होना चाहिए? हाँ, तो जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है वह लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, और जिसका नहीं अधिक है वो लोग मर जा रहे हैं लोग ना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कब बढ़ती है? विटामिन सी का सेवन करने से, हरी साग सब्जी खाने से, जूस पीने से ना, ना काचा आम चिबाने से, ना खाली आलू खाने से। तो इस पॉइंट में हम सूक्ष्म जीवों का आवास का अध्ययन करेंगे। आवास का मतलब होता है ठिकाना, मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहता है। तो डैश तक लिखना है, सूक्ष्म जीव अधिकांश जगह निवास करते हैं, जैसे मिट्टी, जैसे मिट्टी हुआ, मिट्टी, जल, हवा, तालाब, नदी, कुआं, तालाब, नदी, कुआं, समुद्र, जीवों के शरीर में आदि, जीवों के शरीर में आदि। ठीक है, तो यह तो हुआ कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता है। तो बहुत अधिक गर्म इलाकों में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में हम चल जाएंगे, रेगिस्तान में जो रेत पड़ा हुआ है, हैं, तो उस रेत में सूक्ष्म जीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह रेत बहुत गर्म होता है और सूक्ष्म जीवों को ना अधिक गर्माहट से एलर्जी है, हैं। किसी पानी को पीने से गले में खिंच खिंच होने लग रही है, या सर्दी खांसी जुकाम टाइप का कुछ हो जा रहा है, उस पानी को हम यदि उबाल करके पिएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो जो बैक्टीरिया है या वायरस है या जो भी है सूक्ष्म जीव, वो जिंदा हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, यदि मर के जाएगा तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा, जैसे जाएगा वैसे बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? मिट्टी में, हवा में, जल में, समुद्र में, तालाब में, नदी में, तुम्हारे शरीर में, ठीक है। तो मतलब अधिकांश जगह तो हम लिखवाई दिए हैं इस तरह, मतलब कोई भी ऐसा जगह बचा हुआ नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव ना हो, और जो है वो अपवाद में है, मतलब अधिकांश जगह पर सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमको बहुत फायदा पहुंचाते हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। बहुत से वैसे सूक्ष्म जीव है जो हमको बहुत फायदा पहुंचाते हैं, ये लाभदायक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। सेकंड नंबर, बेकरी उद्योग में, टीवी में प्रचार ना दिखता है तो क्या देखते बोल? चुप, देखो एक दिन किसी का बर्थडे रहता है तो उसमें जो माँ रहती है ना वो केक बनाती है ना, केक सबको टेस्टी लगता है, हैं। तो उसमें से कोई आ रहा था तो बोलता ना कि अरे
इनके पास तो टाइम ही नहीं है, तो इनका खुद का बेकरी रहता है, तो एगो बीम साबुन रहता है, वो साबुन ऐसे धोती है तो जल्दी धोया जाता है। तो अब बोलता है कि अगले हफ्ते मेरे पास टाइम है मेरा फ्यूचर बनाने के लिए। अब लड़की को कहता कि हाँ मम्मी की खुद की बेकरी। बेकरी उद्योग का मतलब क्या है? उनमें केक बनता है, पाव रोटी बनता है, बिस्कुट बनता है, समझ में आया? बेकरी उद्योग में क्या क्या बनता है? केक, बिस्किट, पाव रोटी, टोस्ट। अब समझ में आया? तो बेकरी उद्योग समझ में ना, बेकरी उद्योग में ईस्ट के द्वारा, ईस्ट बुझाता है ना, खबर छोटा केक पर खबर सोना ना लगे तो खबर सोना केक ना फूलेगा। बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग केक केक को मत के पाव रोटी ब्रेड बिस्किट बिस्किट आदि बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमको ना ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव को है को ना धन्यवाद बोलना चाहिए। ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव है तो ही बिस्किट है, तो ही टोस्ट है, तो ही पाव रोटी है, और तो ही केक है। ये ना होता ना ये सब होता। मतलब ईस्ट के प्रयोग से एल्कोहल ही बनता है और एसिटिक अम्ल ही बनता है। एल्कोहल मतलब शराब और एसिटिक अम्ल का मतलब ना गैस से संबंधी वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं ना उसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनो में, गैस ऑफ फास्ट में, हरा पुदीना में, सब में ना एसिटिक अम्ल होता है। या फिर जो डाइजिन है ना, जो जो लिक्विड में होता है, चम्मच से समय ढाल के पिया जाता है, तो उसमें भी एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है। नहीं बोलता लो कि एसिटिक प्रॉब्लम है, समोसा पार्टी ना होता है, समोसा खाता है तब होता है एसिटिक प्रॉब्लम है, तो वो लिक्विड पीता है, लिक्विड तो लिक्विड बेकार है, एक छः चक्र वहाँ ठीक हो देगा, तो वो पीता है तो ठीक हो जाता है। कहता है ना एसिटिक प्रॉब्लम है ना, कहता है बउआ। मतलब आज के जो युग है ना, डिजिटल इंडिया है, आधुनिक युग है, पढ़ोगे लिखोगे तो अभी चारों समझ में आएगा ना, पढ़ोगे तो वह समझ में ना आएगा। इसका उत्पादन किण्वन नामक प्रक्रिया से होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ठीक करना। कुछ प्रतिजैविक दवा, ब्रैकेट में एंटीबायोटिक, बहुत लोग इसको एंटीबायोटिक कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। लेकिन इसका सही नाम क्या है? एंटीबायोटिक। कवक से बनाए जाते हैं, कवक से बनाए जाते हैं। और कुछ जीवाणु द्वारा भी बनते हैं, और कुछ जीवाणु द्वारा भी बनते हैं, जैसे में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, चारों क्या है? चारों एंटीबायोटिक दवा का नाम है जो कवक एवं जीवाणु के हेल्प से बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से टीका, सूक्ष्म जीवों की सहायता से टीका और ब्रैकेट में वैक्सीन बनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा टीका है जो इंजेक्शन के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो पोलियो का टीका दो बूंद में डाला जाता है, बाकी अधिकांश टीका इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा, अब रैकेट में इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
मतलब प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारे शरीर में कितना ताकत है बर्दाश्त करने का, हमारे शरीर में कितना ताकत है सूक्ष्म जीव से लड़ने का। नहीं, जैसे पोलियो का टीका, चचक हुआ, कोलेरा, कोलेरा को हम क्या कहते हैं? हाइजा कहते हैं। टाइफाइड, हीपेटाइटिस लिखे के ब्रैकेट में लिख देना है, पीलिया मतलब जॉन्डिस, टीबी, ट्यूबर बुलोसिस, क्या याद रहेगा? ठीक है, नहीं याद है तो लिख लो, ट्यूबर बुलोसिस या क्षय रोग, टिटनेस, रेबीज कुत्ता काटने से होता है, और ये रेबीज नामक बीमारी भयंकर रूप कब लेती है? जब आदमी को पानी से डर लगता है। ठीक है, अब यदि मालूम करना होगा कि इसको कुत्ता काटा था, इसको इसमें मतलब वो रोग बढ़िया से हो गया है कि नहीं हो गया है, उसको पानी दिखा हुआ पानी से डर लेगा, उसको हम हाइड्रोफोबिया कहेंगे। रेबीज नामक बीमारी कुत्ता के काटने से होती है, और जवान कुत्ता काटेगा ना आदमी को, वो लगभग 10 दिन के अंदर में मर जाएगा। मर गया तो समझ लेना कि असर करेगा। पहले 21 को सुई लगता था कुत्ता काटने पर, वो पेट में पहले कुत्ता काटता था तो कौन सुई लगता था? 21 को भी पेट में, लेकिन अब 4 को 5 को लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, सब हाई डोज में हो गया है। अब कुत्ता जिस दिन काटा है ना, उसके 21 दिन के बाद यदि हम कोई इलाज नहीं करवाएंगे तो 21 दिन के बाद क्या होगा? उस आदमी को पानी से डर लगेगा, तो रेबीज नामक बीमारी किसका रूप ले लेगा? हाइड्रोफोबिया का। तो वह आदमी क्या करेगा? कुत्ता की तरह चलेगा, कुत्ता की तरह भौंकेगा, कटबो करेगा, बिना मतलब के किसी को मारेगा, झगड़ा करेगा, मिट्टी खाएगा, नहाए धोएगा नहीं, मतलब पागल टाइप का रहेगा, उसमें कुत्ता का लक्षण चल जाएगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी। तो अभी हम जितना भी बीमारी का नाम बताएं, इस सब बीमारी का क्या लगता है? टीका। ठीक है, जो छोटा बच्चा रहता है शिशु, 2 साल के अंदर में ना वो सारा इंजेक्शन उसको लग जाता है। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने 1798 में सत्रह सौ अंठानवे में चेचक के टीके की खोज की, और इन्होंने बताया कि गाय का दूध दुहने वाले व्यक्ति को चेचक कभी नहीं होता है, क्योंकि गाय के दूध में चेचक वाले वायरस को मारने की क्षमता होती है। मतलब क्या निकल के आ रहा है? गाय का दूध हमारे लिए अमृत है, तो चेचक वायरस के लिए विष है। कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल मिट्टी में खाद के काम करते हैं। अपघटनकर्ता का मतलब क्या होता है? अपघटन करने वाला, कर्ता यानी करने वाला ना है। आहार श्रृंखला का नाम सुने हो कभी 8वीं क्लास में? हाई हुआ घास, घास के खाया टिड्डा खाया मेढा को खाया आदमी, खाया तलना में करता रहा इतना क्या चीहा रही हो, आदमी ना खाता है क्या? चीन वो क्या आदमी है लेगा तो सूक्ष्म जीव लगेगा, शरीर में क्या लेगा? लगेगा। ठीक है, आइए, शरीर को खाएगा,
पचाएगा, बहिष्करण करेगा, और वो जो बहिष्करण करेगा वो जो खाद के काम करेगा, फिर वो खाद के फिर पौधा खाएगा, फिर पौधा को टीडा खाएगा, टीडा को मेंढक खाएगा, मेंढक को आदमी खाएगा, आदमी मरेगा, सूक्ष्म जीव खाएगा, करेगा, खाद बनेगा, फिर घास खाएगा। यह हमेशा घूमते रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इकोसिस्टम, ठीक है। और सूक्ष्म जीव को अवहरणकर्ता कहते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव है तभी ना घूम रहा है, ना रहता तो घूमता है? मानो सूक्ष्म जीव ना रहता तो क्या होता? सूक्ष्म जीव नहीं रहता है तो इतना बदबू हो जाता, इतना प्रदूषण होता है, पूछो ही मत। कुछ फेंको हुए कचरा उस वाले गलेगा, हमें नहीं गति रहेगा, बांस मारते रहेगा। आज जो बांस उतना ही मार रहा था, कल उसी मरेगा। चूहा मरा हुआ फेंक दोगे सरेगा ही गलेगा नहीं, जैसे पड़ा रहा उसी पड़ा रहेगा, जैसे फेंकोगे ना उसी रहेगा, ताजा सूख जाएगा लेकिन सरेगा गलेगा नहीं ना। तो सूक्ष्म जीव का हेल्प बहुत है, बहुत हेल्प है। सवाल आता है अवहरण किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव मेरे शरीर को खाती है, पचाती है, बहिष्करण करती है और वह खाद्य काम करता है, इसी प्रक्रिया को हम अवहरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को करने वाले जीव को अवहरणकर्ता कहते हैं। इस तरह सूक्ष्म जीव ही अवहरणकर्ता नहीं होगा, बड़ा जीव भी हो सकता है, जैसे गिद्ध भी अवहरणकर्ता हो सकता है, क्योंकि वो भी मरे हुए जीव को खाता है। वैसे सूक्ष्म जीव जिनसे नाना प्रकार की बीमारियां फैलती है उसे हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जैसे बोलूं, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोवा, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोवा तथा कवक, हानिकारक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग, इनसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में लिखना है संक्रामक रोग या संचारी रोग, और सेकंड में लिखना है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को हम संचारी रोग भी कहते हैं, चाहे छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। हमें क्या लगता है, लॉसी? तो फर्स्ट नंबर संक्रामक रोग लिख डस देना है। सूक्ष्म जीव से होने वाले वैसे रोग जो किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया आदि। मतलब इन सभी बीमारी से बचने के लिए कुछ बचाव का नियम है, उसको लिखना है। एरो देके लिखना है बचाव के नियम, मतलब क्या क्या हम करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी ना। घरेलू तथा व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें, घर को भी साफ सुथरा रखना है, घर के अगल बगल को भी साफ सुथरा रखना है, और खुद को भी रखना है। घरेलू का मतलब घर और व्यक्तिगत का मतलब खुद। सेकेंड नंबर, घरेलू गंदगी को डस्टबिन में डालें, भोजन को हमेशा ढक कर रखें, सड़क के किनारे खुले भोजन को न खरीदें, और सड़क के बगल में जो होटल वाला है वो परात में छान के रख देता है जिलेबी, समोसा, आलिटिया, चटनी है, आइए खुला रहता है। जब ट्रैक्टर आएगा, ट्रक आएगा और धूल ले आएगा और इसमें सब फेंक देगा। तो मतलब मार्केट से, होटल से खाना बुरी बात नहीं है, खाना चाहिए, लेकिन
ढका हुआ खाना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। कोई पूछेगा मच्छरदानी है क्यों, गुड नाइट फास्ट कार्ड मैक्सो क्यों नहीं, अरे ऐसे दो नुकसान है। उसे दो नुकसान पूछो क्या, पूछो क्या नुकसान है क्या कहना भागेगा मच्छर, भागते हैं मच्छर। मतलब दो नुकसान, पहला नुकसान क्या है, एक तो पैसा की बर्बादी, और दूसरा नुकसान क्या है, सोचो कि जिस गैस को सूंघने से मच्छर मर जाता है या भाग जाता है या उसको परेशानी होती है, तो उस गैस का कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे ऊपर भी पड़ता होगा। इसलिए सबसे बढ़िया मच्छरदानी, पैसा बचेगा और श्वसन की बीमारी भी नहीं होगी। घर के अगल बगल में बारका चूकी तालाब टाइप का कुछ है अब भरे लायक ना है, हमें पानी है तो उसको आने दो सही, लेकिन उसमें किरासन तेल डालो ताकि उसमें मच्छर ना पनपे, क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। कोई पूछेगा कि सर पानी में मच्छर पनपते हैं तो नदी में मच्छर क्यों नहीं पनपते हैं, अरे भाई नदी का पानी बहते रहता है, हम क्या कहें, ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपता है, जो ना बह रहा है जो ना तोड़ मार रहा है, तो यदि बड़ा सा वो पोखर टाइप का है ना, चाहे बड़ा सा है गढ़ा बहरने वाला है कि नहीं है, तो उसमें किरासन का तेल डालो तो मच्छर ना पनपेगा, और किरासन तेल नहीं हो पा रहा है तो तीन तरह के मछली होती है वो पाल दो, ज़्यादा ना दूध 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 चारों को बच्चों को लिया कर उसमें छोड़ दो, वो सब अंडा खा जाएगी मच्छर के। क्या नाम है वो मछली के, गरई गंबुजिया मांगुर, तीनों मछली ना मच्छर के अंडा खूब चाव से खाती है। असंक्रामक रोग लेकर सुना है, बीमारी जो आंतरिक कारकों से उत्पन्न होती है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी का मतलब क्या होता है, खानदानी बीमारी। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, खानदानी। डैश दो अनुवांशिक बीमारी लिख डैश दी है, लिखो गठिया, रतौंधी, कैंसर।